8th स्टैंडर्ड में एक सब्जेक्ट लेके चैप्टर लेके आए हैं जिसमें किन्नर क्या है किस तरह का होता है हुँ. खुल के तो हम लोग जो रिसोर्स पर्सन जाते हैं या टीचर होगा हुँ. वो खुल के बात करेगा हुँ. पर इवन चैप्टर तो है करेक्ट उसमें डीपली तो बाद में आएगा तो बच्चा कुछ जगह-जगह पे मम्मी आज ये चैप्टर है इसका क्या मतलब होता है मां-बाप ढूंढेंगे आसपास में मां-बाप बात करेंगे तो यही तो बतावाएगा बिल्कुल

सरकार ने सोचा क्या इन बच्चों के रोजगार के लिए सोचा क्या इन बच्चों के लिए रहने के लिए मकान के लिए सोचा नहीं ना जी। तो ये कहीं कही कही ना कहीं आज नौ साल सरकार के जजमेंट को कंप्लीट हो चुके हैं क्यों नहीं जब तक मैं दरवाजा नहीं खटका तब तो तक सरकार सुनेगी नहीं तो मेरे लिए तो वही चीज हो गई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना न करवाना मैं अपने स्तर पर राज्य स्तर का दरवाजा खटखटाऊ ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मेरे लिए एक रीड की हड्डी है मेरे लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसके बिहार पे मैं सरकार में बदलाव ला सकती हूँ क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना सरकार स्वयं जिम्मेदारी लेके नहीं कर सकती है नहीं ना यही बहुत सवाल है जिस दिन वो खुद अपनी जिम्मेदारी जिस दिन कोई आई एस आर एस जो भी डिपार्टमेंट में बैठा है या एक नीचे बाबू से से स्तर ऊपर तक का जो ऑफिसर है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी नहीं होगी नहीं। तब तक ये लड़ाई लंबी चलती रहेगी जी बिल्कुल आ, मैं अभी जो एक जैसे राजस्थान में सबसे पहली ट्रांस वन है जो कांस्टेबल बनी थी और जो गंगा का केस था जिसकी मैं बात कर रही हूँ गंगा ने जब फाइट किया था तो गंगा ने एज एंटिटी थी वो बेसिकली कोई ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी ना होने की वजह से जो उसका जो फीमेल के नाम से उसने फॉर्म फिल किया था जब सरकार ने जब उसकी मेडिकल ही कराया गया तो मेडिकल में वो ट्रांसजेंडर पाई गई तो उसे जॉब नहीं दी गई तो हम लोगों ने 2014 17 में ही 16 में हमने सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब हाई कोर्ट ने कहा कि हमने हमारे स्टेट के अंदर जेंडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया पर गंगा अगर ट्रांसजेंडर है ये गंगा के पर है गंगा किस कोटे में अपने फीमेल कोटे में जॉब लेना चाहते मेल कोटे में जॉब लेना चाहते तो गंगा ने खुद चॉइस किया और गंगा ने अपने अपने आप को फीमेल कोटे के अंदर अपने आप को जॉब को रिजर्व किया था इसलिए सरकार ने उसको yeah. कोई कोटा ना खोलते ओबीसी में उसको इसके अंदर बेसिकली फेम, आ, फीमेल को में उसको जॉब दी गई है जी तो ये जैसे मैम हम ऑब्वियसली पढ़ते आ रहे हैं कि थर्ड जेंडर है सब कुछ है अब जब बाय लॉ भी है और इक्वालिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ना कि थर्ड जेंडर में लेते हुए एक अलग आइडेंटिटी है तो उसमें क्यों नहीं देना चाहिए उसमें देना चाहिए बल्कि उसको वुमेन और मेल देखो सरकार ने ट्रांसजेंडर दे रखा है जबती अभी तक देखो एक सबसे बड़ा सरकार ने में ओबीसी में रखा गया है अब ओबीसी में जब रखा गया तो ओबीसी में अगर ऑलरेडी सब कुछ ऑलरेडीडी तो मैं जब एस टी एस टी में आ रही हूं तो मेरे लिए क्या रहा अगर मैं जनरल कास्ट में आ रही तो मेरे को तो मिलेगा ही नहीं तो ये सरकार ने ये कहना चाहिए था कि जो जो भी ट्रांसजेंडर आ रहा है इवन प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट उस पर कैसे कहना चाहिए नीड नीड वाले पे होना चाहिए था कि नाकि उसको मोस्ट uh, बैकवर्ड कर दे चाहिए जो उसको नीट ओबीसी uh, uh, में रहना चाहिए ना तो नीट जो भी है तो उसके लिए अलग से एक uh, प्रावधान है अब ये बड़ा हो इश्यूज था कि सब सरकार ओबीसी में रख रही है तो ओबीसी में से किसका कट करेगा ओबीसी वैसे भी हंड्रेड परसेंट है तो हंड्रेड परसेंट में से किसका कि, किसका काट कि तो अब मेरा वोटर बैंक भी रेडी नहीं है पहले सबसे बड़ी चीज तो मेरे समाज की जनगणना से हम लोग बातें कर रहे हैं कि एक सेंसर डाटा है, है। तो ये चीज है जी आ... एक और चीज मैम लाइक अभी भी लोग आगे नहीं आते जैसे अब धीरे धीरे जो रिकॉग्निशन मिल रहा है तो गवर्नमेंट जगह तो जैसे अभी कर्नाटका के अंदर दो का सरकार रिजर्वेशन लेके आई है तो हमारे स्टेट में भी, भी ट्रांसजेंडर बिल नहीं आया राज्यसभा में जिस दिन हमारे राज्यसभा में ट्रांसजेंडर बिल आएगा तो स्टेट का

जब तो उस फाइल को पुटअप करे पता चलता है उसका भी हो जाए तो ये बड़ा ही एक चैनल बना हुआ जिससे अभी तक समाज जूझ ही रहा है जूझ नहीं बोलेंगे और क्या बिल्कु, करेंगे बिल्कुल मैम सही तो जैसे मैम अभी विधानसभा की कार्यवाही हुई कई तरीके की तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट बिल्स पे चर्चा हुई तो क्या आपकी तरफ से सोसाइटी की तरफ से इस पे चर्चा करने या कुछ डिमांड्स रखी गई थी जो सरकार ने नहीं उठाई देखो डिमांड का तो मैं क्या करूं पहले तो मेरे 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 वजूद का ही अता पता नहीं है तो डिमांड तो मैं बाद में करूंगी जाकर या, के। बिल को लेकर क्यों ना बिल को लेकर के हम क्या डिमांड में मंत्री को तीन चार बार कॉल करा हुआ है कि सर आप बिल लेके आइए तो ये मेरा मैं क्यों बोलूंगी ये समाज कल्याण के डिपार्टमेंट का काम है कि वो इन पॉलिसीज को लाके सबमिट करें ना कि मैं मैं मैं, मैं अगर मुझे ये सब चीजें करनी होती तो मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं क्यों कौन? ये उनका दायित्व है ये उनका पार्ट है कि वो जाकर के इस बिल को वहाँ प्रेजेंट करा जाए बिल्कुल तो मैम आपके पर्सनली जिन जिन मंत्री से बात हुई है वो आप बता सकते हैं किन से आपकी बात हुई है कि समाज कल्याण जो मंत्री जी है टीका रामजूली जी तो मैंने कई बार फोन पे वार्तालाप पे बोल चुकी हूँ इस तरह का लेके आइए सर बेसिकली राज, स्टेट की भी एक टीजी कार्ड भी होना चाहिए रहते हैं पर वो चीजें है ना कि अभी मैं बोल के जाऊं वो फाइल का हो यह चीजें लेकिन आश्वासन तो कुछ दिया होगा कि तब तक देखो आश्वासन तो जिंदगी में ही आश्वासन ही है सरकार ऐसी चल रही है